हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही दमदार है, वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना, ठीक है। यीशु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? मैं बीमार ही रहता हूँ, मैं हर संडे चर्च भी जाता हूँ, रोज़ बाइबल भी पढ़ता हूँ, रोज़ प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी इतना गरीब क्यों हूँ मैं? मैं बीमार ही रहता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना परेशानी है। मैं बीमार रहता हूँ, तंगी में परेशान रहता हूँ, जूझ रहा हूँ, मेरी कोई सुधि नहीं लेता है। मेरा पति दारू पीता है और मुझे मारता है, घर से निकालने के लिए बोलता है। यीशु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? आपके जीवन में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वचन से देखते हैं, जैसे यशाया की पुस्तक 59:2-3 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, और वह ऐसा बहिरा नहीं हो गया है कि वह तुम्हारी सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारी नहीं सुनता है। क्योंकि तुम्हारे हाथ से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ, तुम्हारी जीभ से तो कुटिल बातें निकलती हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ स्पष्ट रूप से हमें शिक्षा देता है। अपना हर एक दिन जांचिए, कहीं मुझसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मुझसे कोई गाली तो नहीं निकल रही, कहीं मेरे मन में किसी के विरुद्ध बुरी कल्पनाएं, बुरी विचार तो नहीं है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को पवित्र बनना है, यीशु मसीह पवित्र है। मेरे प्रियजनों, और जो लोग कहते हैं यीशु मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं है, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, तंगी में परेशानी में पति मारता है, मैं छोड़ दूंगी, घर वालों के दबाव से मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, तो सुनो, यीशु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है तो यीशु मसीह को छोड़ दूंगी कहने वालों, सुनो, वीडियो को ध्यान से देखो। देखिए, अगर आप यीशु मसीह को छोड़ दिया तो लास्ट में आपको रोना पड़ेगा। मैं 100% कहता हूँ, खुल के कहता हूँ। किसी ने हमसे कहा था, यीशु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, मैं तंगी में परेशान हूँ, यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, मैं बीमार रहती हूँ, यीशु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी। देखिए, हम यीशु मसीह में सिर्फ चंगाई लेने नहीं आते हैं। मेरे प्रियजनों, हम चंगे हो जाएं और यीशु मसीह को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। मेरे प्रियजनों, अगर आप अभी किसी के दबाव में, किसी के बहकाव में, गाँव वालों के डर से यीशु मसीह को छोड़ दिया तो यीशु मसीह आपको लास्ट में छोड़कर चला जाएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। पाप हमने किया, मज़ा हमने लिए, सजा यीशु मसीह को मिली, उसके मुंह पर थूका गया, उसको कोड़े लगवाए गए। अगर आप फिर भी यीशु मसीह को छोड़ दिया तो आपको लास्ट में रोना पड़ेगा। यीशु मसीह जब अपने दूतों के साथ आएगा तो यीशु मसीह आपको छोड़कर चला जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 10:10 में लिखा हुआ है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है, उसके कोप से पृथ्वी कांपती है और जात जात के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते हैं। जब 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा, उन दिनों में जो लोग मृत्यु मांगेंगे उनको मृत्यु भी नहीं आएगी। अगर आप अभी यीशु मसीह को छोड़ दिया तो बाद में आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उन दिनों में जो लोग यहाँ रह जाएंगे, छूट जाएंगे, वे पहाड़ों से कहेंगे, पहाड़ियों से कहने लगेंगे, उस समय हम पर गिरो, हमें दबा लो। उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, मृत्यु उनसे दूर भागेगी। मेरे प्रियजनों, बहुत तड़पाया जाएगा उन लोगों को। अगर आप यीशु मसीह को छोड़ दिया, तंगी में आके, परेशानी में आके, बीमारी में आके, गरीबी में आके, अपने पति के डर से, अपने परिवार के डर से, गाँव वालों के डर से अगर छोड़ दिया तो आपको पछताना पड़ेगा बाद में। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह उसी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा। अभी आप दुख तकलीफ से लो, परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा, नया जीवन देगा, ठीक है, जो कभी नाश नहीं होता है, ठीक है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।